मॉस्को, जो कि एक रसिया का राजधानी है, उनकी तरफ से अभी हाल ही में गूगल पर फाइन ठोक दिया गया है। गूगल, जिसको हम लोग इतना बड़ा कंपनी के नाम से जानते हैं, उस पर रसिया ने भी फाइन ठोक दिया है। इस फाइन को गूगल पे इसलिए ठोका गया है क्योंकि रसिया ने कुछ समय पहले गूगल को ये ऑर्डर दिया था कि वो अपने प्लेटफॉर्म से कुछ इलीगल कंटेंट, जो कि रसिया में दिखाना सही नहीं है और रसिया के अंदर वो विद्रोह खड़ा कर सकता है, उसको डिलीट करने का आदेश दिया था। पर गूगल ने उसको इग्नोर किया, उसका बात नहीं सुना, या फिर गूगल ने काम भी किया होगा तो वो सक्सेस नहीं रह पाया, और जिस कारण आज के टाइम पे जब वहाँ पे मॉस्को का कोर्ट पे हियरिंग हुआ था, उस वक्त गूगल पे 98 मिलियन डॉलर का फाइन ठोक दिया गया है। ये जुर्माना जो है, इसको ठोकने से पहले, इसको ऐसे ही मतलब मन में आया और वैसे ही नहीं ठोक दिया, इसको ठोकने से पहले वहाँ रसिया का, मॉस्को का कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि गूगल हमारे रसिया से कितना कमाता है उसका पहले आकलन करो, उस आकलन पे जो भी नंबर निकल गया उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा फाइन के तौर पे इनको देने के लिए बोल दो, और वैसा ही किया गया। और आप ये भी जानिए कि जिस दिन गूगल का था उस दिन फेसबुक का भी रसिया में सुनवाई था, यानी फेसबुक भी अभी रसिया का कोर्ट का चक्कर काट रहा है क्योंकि गूगल के बाद उसी का नंबर था, पर अभी तक कोई उसका कह सकते पॉइंट प्रूफ नहीं हुआ है कि फेसबुक ने कुछ गलत किया है, इसलिए उस पर अभी तक कोई जुर्माना नहीं लगा है। जैसे ही कोई लगता है मैं आपको खबर दे दूंगा इसको। और इसको ऐसे मत देखिए जैसे कि मतलब रसिया ने ये पहली बार किया, इससे पहले भी रसिया ने गूगल पर 28,000 डॉलर का फाइन, गूगल पे जुर्माना ठोक दिया था, बिल्कुल इसी कारण के लिए कि इलीगल कंटेंट डिलीट नहीं हो पा रहा था गूगल से। अब इस जुर्माना के पीछे और आगे का जो भी और कहानी बनता है और आता है वैसे ही मैं आपको खबर दूंगा। फिलहाल के लिए आप मुझे ये बताइए कि क्या रसिया ने ये सही किया या गलत, आप मुझे ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। साथ ही साथ आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।